चलिए अब आपको मिलवा दे तुषार कपूर से, जिससे बात की हमारे संवाददाता अभी पराशर ने, और जाना फिल्म में आखिर क्या है खास ऑडियंस के लिए। इस समय हमारे साथ तुषार कपूर हैं। इससे पहले शोर इन द सिटी आपकी मूवी आई और गोलमाल सबने देखा, गोलमाल में आपने किस तरह लोगों को हंसाया, तो ये जो मूवी है क्या खास बात है, कुछ खासियत बताइए लोगों को, क्योंकि सीरियस रोल में आपकी शायद ये दूसरी या तीसरी मूवी। जी हाँ, एक्चुअली ये रोल सीरियस तो नहीं है, आप कह सकते हैं रोमांटिक रोल है, और जैसे कि सूरज जी ने कहा प्योर राजश्री फिल्म है, जहाँ मतलब जो भी वैल्यूज़, ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो कैरेक्टर्स में आपने देखा है इतने सालों से राजश्री की फिल्मों में, तो वो सब इस फिल्म और इस फिल्म के किरदारों में भी है। लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि राजश्री की फिल्म होते हुए भी इस फिल्म में वो मॉडर्निटी है कैरेक्टर्स में, जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आज की युवा पीढ़ी के साथ। मतलब कि अगर आज की कोई युवा पीढ़ी इस फिल्म को देखेगी तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ये साहिल जो कैरेक्टर है वो मेरी तरह है, या ऋतु मेरी तरह है। जो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स आज की युवा पीढ़ी अपनी रोमांटिक लाइफ में फेस कर सकती है, वैसी प्रॉब्लम्स इस फिल्म में दिखाई गई है, जो मतलब कि इस फिल्म के ड्रामा को आगे बढ़ाती है। तो बेसिकली हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म है जिसमें बहुत सारा इमोशन है, और यही खास बात है क्योंकि बहुत सालों के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो पूरी फैमिली देख सकती है, एक स्वच्छ पारिवारिक फिल्म। इसमें ऐसा दिखाया गया है जो प्रोमोज आ रहे हैं कि इसमें आप एक आर्टिस्ट हैं, जैसे ही आपको लोगों से प्यार होता है तो आप एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कुछ एकदम प्रूफ नहीं कर पाते, आप रूल्स बदलना चाहते हैं बिजनेस के कुछ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कुछ कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं प्रूफ करूँगा, लेकिन मेरे सामने चैलेंजेस रखे जाते हैं कि अगर एक आर्टिस्ट को एक खुशहाल ज़िंदगी बितानी है किसी लड़की के साथ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ, तो उसे एक बिजनेसमैन होना चाहिए। वो सिर्फ आर्टिस्ट होकर किसी और को और अपने आप को ज़िंदगी भर खुश नहीं रख सकता, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच के आर्टिस्ट आर लूजर्स। तो साहिल को वो प्रूव करना पड़ता है कि वो अपने प्यार के काबिल है, वो प्यार करता है वो तो मतलब उसे प्रूव कर दिया सच्चा प्यार करना, लेकिन वो प्यार के काबिल है वो उसे प्रूव कर रहा है। उसमें आप पहली बार बात काम कर रहे हैं अमृता राव के साथ, कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरह का नेचर है उनका? बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत सीरियस एक्टर हैं, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं, बहुत मेटिकुलस है, और हंसी मजाक भी करती हैं। मतलब कि एक यू नो घुल मिल जाना यूनिट मेंबरों के साथ, शॉट्स के बीच में थोड़ा मतलब मस्ती भी करना, फिर भी काम पर भी ध्यान देना, और बहुत मेहनत किया उन्होंने प्रमोशन पर भी, क्योंकि मैंने इतना मतलब मेहनत करते हुए किसी हीरोइन को देखा नहीं था। आई वुड लाइक टू वर्क मोर विद अमृता, हालाँकि ये फिल्म चलेगी तो लोग हमें साथ में ज़रूर देखना चाहेंगे। वापस गोलमाल की अगर हम बात करें, गोलमाल में आपने लोगों को बताया तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि तुषार एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट होने के बाद उन्हें प्यार हो जाता है लड़की से, पूरी लव स्टोरी है, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं एक बिजनेसमैन बनने की, तो कहीं ना कहीं साफ लगता है दर्शकों को जरूर पीछे की फिल्म। आई होप सो आपका साथ हो, और अगर गोलमाल में लोगों ने मुझे पसंद किया, शोर इन सिटी में अगर लोगों ने मुझे पसंद किया, तो इस फिल्म में भी मैंने उतना ही मेहनत किया है, उतनी ही मतलब सावधानी के साथ साइन की है ये फिल्म, क्योंकि राजश्री गारंट की फिल्म तो हमेशा से अच्छी होती है, फिर भी मुझे लगता है ये फिल्म उनके बैनर की फिल्मों में से थोड़ी हटके होगी, हालांकि वो सब चीज़ें होंगी जो फैमिलीज उनकी फिल्मों में देखना चाहते हैं। सर एक लास्ट सवाल कि आगे आप किस तरह का रोल करना चाहेंगे, हालांकि आपने अभी बताया था मुझे कि आपने कोई सोचा नहीं है ऐसा, लेकिन आपका कॉमेडी रोल सबको पसंद आया, गोलमाल आपकी जितनी मूवी थी फर्स्ट क्लास चली है, और शोर इन द सिटी में सीरियस रोल था, इसमें एक लव स्टोरी है, आगे आप सीरियस रोल में नज़र आएंगे या कॉमेडी में नज़र आएंगे या मिक्सअप होगा? वेल सब मिक्सअप होगा, क्योंकि मैंने कभी प्लान नहीं किया कि अगर मुझे कॉमेडी फिल्म में ऑफर की जाएंगी तो मैं वो करूँगा, उनसे जो अच्छा लगता है मुझे, अगर कोई ऐसी हटकी फिल्म आए ऑफर हो जो सीरियस हो तो वो भी करूँगा, रोमांटिक फिल्म जिसका मुझे इंतज़ार था इतने सालों से, अब मैं वो वैसी फिल्म लेकर आ रहा हूँ लव यू मिस्टर कलाकार, तो दर्शक जैसे ही मुझे देखना चाहेंगे मतलब मैं वैसे ही मतलब उन्हीं रूपों में आऊँगा उनके सामने, लेकिन इंडस्ट्री को भी मुझे वैसी फिल्में करने का मौका देना चाहिए। मैं काफ़ी कूल हूँ इस मामले में कि मैं कोई भी फिल्म करने के लिए राजी हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडी करूँगा या रोमांटिक करूँगा या सीरियस करूँगा। कुछ दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि घर पे ना देखें, आए हॉल में देखें? डेफिनेटली लवी मिस्टर कलाकार एक पारिवारिक फिल्म है, तो अपने पूरे परिवार को थिएटर में ले जाकर दिखाइए ये फिल्म, क्योंकि घर पर उतना मज़ा नहीं आएगा जितना थिएटर में आएगा, और ये वैसी फिल्म है जो आप अपने दादा दादी बच्चों को, मामी मामा बुआ फूफा फूफी, अपने माँ बाप भाई बहन सबको ले जाकर दिखा सकते हैं, मतलब पूरी ग्रुप को ले जाकर दिखा सकते हैं, तो वैसे ही ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के साथ देखने में ही मज़ा आएगा। तो हम भी यही दुआ करते हैं तुषार, आपकी मूवी चले, लोग देखें, काफ़ी पसंद करें, क्योंकि प्रोमोज लोगों को जरूर खींच के लाएंगे। इसी दुआ के साथ मैं आपसे बात करता हूँ, और हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं इंडिया न्यूज़ के जरिए कि लोग आएँ और तुषार की जो नई मूवी है
कॉमेडी मूवी है, लव स्टोरी है, इस मूवी का आकर सिनेमाघरों में मजा लें। कैमरामैन शरद के साथ अभय पराशर, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।